हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं वीरू फोटोकार्ट से। दोस्तों आज हम लेके एक नया टेलीस्कोप, चलिए दोस्तों इसको सेटअप करते हैं और अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलता है। दोस्तों ये है डॉक्टर मेडी का 150 mm अपर्चर टेलीस्कोप, 6 इंच का ये टेलीस्कोप है और अच्छे तरीके से कंपनी देखो आप पैक करके भेजती है, तो पैकिंग के लिए कंपनी बिल्कुल अच्छे तरीके से पैक करती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम इसकी अनबॉक्सिंग। दोस्तों हमने अनबॉक्सिंग कर ली है अपने टेलीस्कोप की। ये सारी एक्सेसरीज इसके अंदर निकलती है, आप देख सकते हैं ये 3 ट्राइपॉड लैग्स हैं जो कंपनी साथ में देती है। ये 150 mm का ट्यूब हो गया और इसके साथ में मिलता है ये फाइंडर स्कोप और ये EQ3 माउंट है ये, ठीक है दोस्तों। और उसके साथ में है ये सारे स्क्रू जो इसको माउंट करने के काम आएंगे, स्क्रू ड्राइवर भी कंपनी ने साथ में दिया हुआ है। एक कंपनी इसके साथ में देती है मून फिल्टर, ये है काउंटर वेट और ये है ब्रैकेट दो जो दो हमारे 150 mm ट्यूब को होल्ड करेगा। ये है ट्राइपॉड ब्रैकेट जो ट्राइपॉड को बैलेंस करेगा, तीनों लेग्स पे लग जाएगा। देन इसके ऊपर यहाँ पे हम एक्सेसरी ट्रे लगा लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये है हमारा ट्यूब को होल्ड करने के लिए प्लेट और ये है एक इसमें 2x का बार्लो और एक है इसमें सीधे इमेज देखने के लिए इरेक्ट इमेज आईपीस, एक है ये प्लोजल 25 mm का आईपीस और एक इसके अंदर आता है PL 6.5 mm का आईपीस। और इसके साथ में ये है काउंटर वेट रॉड और ये हैं 2 नॉब्स और साथ में कंपनी देती है एक्सेसरी ट्रे और इसके साथ में कंपनी देती है 2 चार्ट जिसमें एक में प्लैनेट की पिक्चर्स शो कर रखे हैं और उसकी डिटेल, एक में मून्स की पिक्चर्स और उसकी डिटेल। तो इसको साइड रखते हैं और कंपनी साथ में देती है इसके इंस्ट्रक्शन मैनुअल, सारी जानकारी डिटेल में इसके अंदर आपको मिल जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो सेटअप करने के लिए सबसे पहले ट्राईपॉड लेंगे, तीनों ट्राईपॉड के जो लैग हैं इस लैग में इस तरफ ये अप एंड डाउन करने के लिए रहता है, तो एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे सबसे पहले स्क्रू लगाएंगे। मैं आपको लगा के दिखा दे रहा हूँ। स्क्रू से क्या रहेगा, जिस भी हाइट पे हमें अपना ट्राइपॉड सेट करना है वहाँ पे इसको होल्ड कर देंगे, तो आप जो ट्राइपॉड की हाइट है वो एडजस्ट कर सकते हैं, देख पा रहे हैं आप, ठीक है। अब मैं इसको, अगर मेरे को लो हाइट पे रखना है मैं इसको लूज करूँगा लो हाइट पे चले जाएगा, फुल हाइट पे रखना है मैं इसको यहाँ पे टाइट कर दूंगा तो ये फुल हाइट पे आ जाता है। तो तीनों लेग्स को हमें इसी प्रकार ये तीनों स्क्रू टाइट करने हैं और हमें माउंट अपना लगाना है, तो ठीक है दोस्तों। ये एक लेग मैंने आपको दिखा दिया है, अब हम इसको फास्ट मूविंग में आपको दिखाते हैं।
है दोस्तों, पूरा सेटअप मैंने कर दिया है। मैं आपको मेन मेन पॉइंट बता देता हूँ सबसे पहले कैसे कनेक्ट करना है। सबसे पहले स्टार्ट करना है हमें ट्राईपॉड से, तीनों ट्राईपॉड्स के लेग के जो तीनों स्क्रू ये वाले दे रखे हैं, सबसे पहले तीनों लेग्स के ये स्क्रू टाइट करने हैं। उसके बाद हमें ये जो हमारा माउंट है, ये वाला माउंट का भी एक प्लेट दे रखा है, वो प्लेट कनेक्ट करना है। देन उसके बाद EQ3 माउंट हमने यहाँ पे कनेक्ट करना है। यहाँ पे लगाने के बाद यहाँ पे स्क्रू दे रखा होता है, नीचे स्क्रू लगाना है। स्क्रू लगाने के बाद यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एक्सेसरी ट्रे लगी हुई है, इसकी एक ब्रेकेट दे रखी है। तीनों तरफ नट स्क्रू खोल के तीनों ब्रेकेट के लेग्स पे सेट करना है, तीनों ट्राईपॉड के लेग्स पे। देन उसके बाद एक्सेसरी ट्रे लगा देना है। लगाने के बाद अपने एक्सेसरी जो है आपकी, वो इसमें आप कैरी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर आना है। ऊपर आके सबसे ये जो काउंटरवेट रॉड है, काउंटरवेट डाल के ये काउंटरवेट रॉड लगानी है यहाँ पे। और काउंटरवेट रॉड लगाने के बाद यहाँ पे ये दो नोफ्स दे रखे हैं, ये दो नोफ्स दोनों साइड लगाने हैं, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ये प्लेट दे रखी है जो इसके साथ में आती है। पहले ये प्लेट कनेक्ट करनी है। प्लेट कनेक्ट करने के बाद उसके बाद ये दो ब्रेकेट दे रखे हैं जो ट्यूब को होल्ड करेंगे, उन दोनों ब्रेकेट को इस प्लेट के ऊपर कनेक्ट करेंगे। ये कनेक्ट करने के बाद इसके ऊपर आपको अपना ट्यूब रखना है, और ट्यूब को आपको काफ़ी अच्छे से बैलेंस बना के रखना है। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे, मैंने पहले बिना बैलेंस के रख दिया था तो बैलेंस नहीं हो पा रही थी ट्यूब। अभी आप देख पा रहे हैं बिल्कुल बैलेंस हो रही है, किसी भी एंगल पर मैं से सेट कर रहा हूँ बैलेंस हो रही है। तो ये यहाँ पर जो ट्यूब सेट करना है बहुत अच्छे से बैलेंस करके करना है। देन उसके बाद जो मेन काम होता है वो काउंटरवेट को एडजस्टमेंट के लिए होता है। अगर मैं काउंटरवेट ऊपर नीचे करूँगा तो एक तरफ भागने लगेगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, तो मेन मुद्दा देखेंगे आप, काउंटर वेट मैंने हटाया, जैसे ही ट्यूब भाग रहा है, तो इसलिए काउंटर वेट को बैलेंस भी करना है और ट्यूब को भी बैलेंस करके रखना है। ठीक है, ये ब्रेकेट करने के बाद उसके बाद यहाँ पे जो ये फाइंडर स्कोप दे रखा है, दो स्क्रू खोल के एज इट इज यहाँ पे फाइंडर स्कोप आपको लगा देना है। लगाने के बाद यहाँ पे जो फ्रंट पे कैप होता है डस्ट कैप, वो डस्ट कैप हटा देना है। और इसके साइड में एक है ब्रेकेट, इसके साइड में एक स्क्रू है जिससे हम ये अप एंड डाउन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा सेटअप था, सेटअप मैंने आपको बता दिया है। बाकी सेटअप में कोई दिक्कत होती है आपको, कंपनी आपके लिए हेल्प करती है प्रॉपर। कंपनी ने यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे लिख रखा है फ्री एनी टेलीस्कोप सपोर्ट एंड इंस्टॉलेशन गाइड। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कंपनी आपको फ्री वीडियो कॉल पे आपको पूरा सपोर्ट करती है। और कंपनी के काफ़ी एम्प्लॉयज़ हैं जो क्या कहते हैं, अलग अलग लोकेशन पे अवेलेबल होते हैं। अगर आपको इनके लाइव डेमो भी चाहिए उनके थ्रू, तो कंपनी 500 रुपीज़ चार्ज करती है और आपको प्रॉपर बंदा भेज के डेमो दे देती है। बट वो डिपेंड करता है कि उस लोकेशन पर उनका बंदा अवेलेबल है या नहीं। तो डॉक्टर मेडी का सर्विस सपोर्ट बहुत अच्छा है और मेरे को काफ़ी कस्टमर से फीडबैक भी मिला है। ठीक है दोस्तों, तो ये सेटअप है। और सेटअप के बाद जैसा कि मैं बताता हूँ, इसमें प्लोजल आईपीस दे रखा है 25 mm का। तो सबसे पहले आपको 25 mm का आईपीस यूज करना है। और दोस्तों इसका जो साइट का अपर्चर है वो 150 mm का अपर्चर है, मतलब 6 इंच का इसका अपर्चर मिल जाता है। फोकल लेंथ हमें मिलती है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर जो मिरर यूज किया गया है वो कैनकेव का हार्ड कोटेड मिरर इसमें यूज किया गया है, और EQ3 माउंट में है, तो काफ़ी अच्छी है, अच्छा प्रोडक्ट है ये। और जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में बताता हूँ, आईपीस और फाइंडर स्कोप के अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। 25 mm का आईपीस लगाना है, उसके बाद जब आपको आपको ऑब्जेक्ट मिलता है, देन आपको छोटा आईपीस यूज करना है जो इसमें 6.5 mm का दे रखा है। देन अगर आपको आपका ऑब्जेक्ट लैंड व्यू अगर आप देख रहे हैं, स्ट्रेट देखना है, तो इरेक्ट इमेज कंपनीज के अंदर आईपीस देती है, आप ये लगा के अपना आईपीस इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इन दोनों आईपीसी की पावर को आपको डबल करना है, तो इसके अंदर कंपनी 2x का बार्लो देती है, उसको ऊपर आप अपना आईपीस लगाएंगे तो आपकी आईपीस की पावर डबल हो जाएगी। सिंपल सा तरीका है यूज करने का, इसको निकालना है, पहले इसको लगाना है, देन इसको लगाना है। इस तरीके से आप अपना 2x का बार्लो और आईपीस इस्तेमाल करना है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आपका इरेक्ट इमेज आईपीस यूज होगा, पहले ये लगाना है, देन ये लगाना है। इस प्रकार से आपके इरेक्ट इमेज आईपीस और ये आईपीस यूज होंगे। ठीक है दोस्तों, और काफ़ी अच्छी पावर है, 25 mm का आईपीस है, डीपी स्काई ढूंढने के लिए आपको काफ़ी मदद करेगा, प्लेनेट तो आपको इजीली इससे मिल ही जाएंगे। और दोस्तों ज़्यादातर कस्टमर टेलीस्कोप परचेज करते हैं तो नाइट में ओपन करते हैं, तो मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा एक बार दिन में टेलीस्कोप को ओपन करें और इसके साथ थोड़ा समय बिताएं। जब आप समय बिताएंगे तो आपको इसकी बेसिक जानकारी मिल जाएंगी, क्योंकि दिन में एक बार आप ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे, फोकस करना आपको आ जाएगा,
स्लोली स्लोली, तो आपको नाइट में उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। और दिन में एक चीज़ और ध्यान से करना है आपको, फाइंडर स्कोप जो है और जो आईपीस में देखना है वो दोनों मैच होनी चाहिए। अगर मैच नहीं है तो पहले आप कोई भी ऑब्जेक्ट ढूंढ लीजिए पास का, उसको आईपीस में देखिए, देन उसके बाद अपने फाइंडर स्कोप में देखिए। अगर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे ये देख रहे हैं दो तीन स्क्रू दे रखे हैं, ये लेफ्ट राइट अप डाउन होते हैं, तो इससे अपने फाइंडर स्कोप के सेंटर पॉइंट को जहाँ पे आपको आईपीस में देख रहा है उस पोजीशन पे ले जाइएगा, तो आपका आईपीस अलाइन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको रात में एस्ट्रोनॉमी का एंजॉय कर पाएंगे। काफ़ी कस्टमर्स कहते हैं कि प्लैनेट किस तरफ है, उनको ये चीज़ पता नहीं है, तो दोस्तों उसके लिए एक स्काई मैप करके ऐप आता है जो एंड्रॉयड मोबाइल ऐप है, मैं उसे यूज करता हूँ, और उसको कैसे यूज करना है मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ, आप पूरा देखिएगा। ठीक है दोस्तों, आप जब डिस्प्ले देख रहे हैं इस तरीके से आप एंड्रॉयड मोबाइल ऐप पे जाके स्काई मैप डाउनलोड कर सकते हैं। इसे जब हम ओपन करेंगे इस तरीके का ऐप खुल जाएगा आपको, और काफ़ी हेल्प करता है ये, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें इस तरीके से ऑब्जेक्ट दिख जाएंगे, उरेनस, मार्स, आसमान में आप ऐसे करेंगे आपको आपका ऑब्जेक्ट दिख जाएगा, नेपच्यून, मार्स, मून दिख रहा है ना, तो इस प्रकार से सैटर्न, प्लूटो, जुपिटर, तो इस प्रकार से आपको फाइंड करने में बहुत हेल्प मिलेगी। आपके सारे ऑब्जेक्ट जो है प्लैनेट देख रहे हैं आप, सब आपको सारे प्लैनेट दिख रहे हैं, मार्स हो गया, उरेनस हो गया, और नेपच्यून निकल गया, मून हो गया हमारा, ये देखिए सैटर्न, प्लूटो, जुपिटर, तो इस तरीके से आपको आपके ऑब्जेक्ट दिख जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको आपके ऑब्जेक्ट फाइंड करना है या देखना है आपको कैसे हैं, तो आप गैलरी में इस तरीके से जाके आप ये देख रहे हैं मरकरी ऐसा दिखता है, वेनस ऐसा दिखता है, मार्स ऐसा दिखता है, जुपिटर ऐसा दिखता है, सैटर्न, उरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, क्रेव नेबुला, ये इस तरीके से आप सारे देख रहे हैं, ईगल नेबुला, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ठीक है ना, तो इस तरीके से आप ये सारे देख सकते हैं। अब इसको देखने के बाद अगर आपको ये ऑब्जेक्ट, आपको जो फोटोज यहाँ दिख रहे हैं आपको ये, इसमें से सपोज मानो हमें जुपिटर देखना है, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे तो फाइंड इन द स्काई का यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, जब आप फाइंड इन द स्काई में करेंगे तो इस तरीके से एरर आ जाएगा, और जब ये जुपिटर पर चला जाएगा तो ये आप सीधा हो जाएगा, जैसे कि हम आपको करके दिखा रहे हैं। ये देखेंगे ग्रीन कलर से आ गया ना, आप देख पा रहे हैं, एक एक मिनट रुकिए, ये देखिए आ गया ना राउंड सर्कल में, तो इस तरीके से आपको मतलब ये आपको जहाँ पे जुपिटर है वहाँ पे ले जाके ग्रीन हो जाए, और जहाँ पे जुपिटर है वहाँ पे ले जाके ऑरेंज हो जाएगा दोस्तों, देख रहे हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है आपके लिए। तो आप इसको एंड्रॉयड, अब मैं अगर डिस्टेंस चेंज कर लूँगा तो ये मेरे को डायरेक्शन देगा किस तरफ जाना है, देखिए डायरेक्शन दे रहा है ये, और जब मैं वहाँ प्लूटो जुपिटर पर चला जाऊँगा वहाँ जाके ग्रीन हो रहा है, वहाँ जाके ऑरेंज हो रहा है, तो आपको ये वेरीफाई भी करता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट के पास पहुँच गए या नहीं, तो आप ऐसे करके देख लीजिएगा, बहुत इजी रहेगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरीके से आपको स्काई मैप यूज करना है। आपने मोबाइल ऐप देख लिया होगा किस तरीके से यूज करना है, काफ़ी हेल्पफुल रहता है आपको ये मोबाइल ऐप आपके ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यही सारा सेटअप था इस वीडियो में, होपफुली आपको मेरा ये सेटअप वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों डॉक्टर मेडी के सारे प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल हैं, सिर्फ आपको करना इतना है www.photocard.in पे विजिट कीजिए, वहाँ पे जाके सर्च कीजिए डॉक्टर मेडी, सारे मॉडल्स उसके यहाँ पे आ जाएंगे, लो बजट के भी हैं, हाई बजट के भी हैं, बाकी अदर टेलीस्कोप्स भी, सेलेस्ट्रॉन, मीड, ये सब भी मिल जाएंगे, तो आपको वेबसाइट पर जाना है और सर्च करना है आपका प्रोडक्ट, प्राइस रेंज हमने वहाँ पे, प्राइस फिल्टर हमने वहाँ पे लगा रखा है, अगर आपको हाई बजट का नहीं चाहिए, लो बजट में चाहिए, तो आप प्राइस फिल्टर भी वहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना प्यार यूं ही बना रहे, जय हिंद, बाय बाय।